सलमान खान ने किया साउथ सिनेमा का रुख, गॉडफादर में निभा रहे हैं बड़े पॉलिटिशियन का रोल। बहुचर्चित मलयालम फिल्म लुसिफर की रीमेक है गॉडफादर। ऑडियंस का सामना होगा सस्पेंस से भरे पॉलिटिशियन ड्रामा से। सलमान खान को आपने काफी समय तक बॉलीवुड में एक्टिंग का जलवा बिखेरते हुए देखा है, अब वो अपने एक्टिंग का जलवा साउथ के सिनेमा में भी बिखेरने को एकदम तैयार हैं। वो बहुत ही जल्द साउथ सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म कही जा रही गॉडफादर में सिनेमा चिरंजीवी के साथ साउथ सिनेमा में धमाका करने को तैयार है। गॉडफादर फिल्म को मलयालम फिल्म लुसिफर का रीमेक बताया जा रहा है। ये फिल्म साउथ सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर मोहन राजा द्वारा ही डायरेक्ट की जाने वाली है, जो कि इससे पहले भी थानी ओरुवन जैसे धमाकेदार फिल्म्स बना चुके हैं। ये फिल्म 2017 में रिलीज की गई थी और इस फिल्म का थ्रुवा नाम का रीमेक बन चुका है, जो कि हिंदी ऑडियंस के बीच काफी ज्यादा फेमस भी है। इस डायरेक्टर को वापस फील्ड पर देखकर हर कोई पूरी तरह से हैरान रह गया है और ये बात तो तय है कि फिल्म गॉडफादर साउथ सिनेमा में कमाई के मामले में बड़े से बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ेगी। ये फिल्म लुसिफर की रीमेक है, जिसमें इंडियन पॉलिटिक्स और पावर के कॉम्बिनेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया था। इस फिल्म में केरला स्टेट के सीएम की डेथ हो जाने के बाद उनकी कुर्सी को हथियाने के लिए कई लोग संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। खैर, इतना जान लेने के बाद तो आपको यही लग रहा होगा कि इस टाइप की स्टोरी में आखिर क्या खास है। फिल्म का हीरो आखिर में सीएम बन जाएगा और विलन्स जेल चले जाएंगे और फिर गॉडफादर भी उनकी इसी एक्शन का यूज करेगी और संभव है कि चिरंजीवी भी इस फिल्म में मोहन लाल वाले स्टीफन के किरदार को निभाएंगे, जो कि अपने स्टेट की पॉलिटिक्स को ठीक ठाक करने के लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद करेगा और अपने एक्शन से फिल्म के विलेंस को पछाड़ कर रख लेगा। सलमान खान का कैमियो भी इस फिल्म में एक अलग भूमिका निभाएगा। वो लूसिफर फिल्म में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता कहे जाने वाले इब्राहिम कुरैशी का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म में हैदराबाद, मुंबई और ऊटी जैसी जगहों को शूटिंग के लिए चुना गया, ताकि इस फिल्म की लोकेशन बिल्कुल ही कहानी से जुड़ी हुई दिखाई दे और दर्शक सिनेमा को एक नए तरीके से एंजॉय कर सके।